शीघ्र करो, अन्यथा इसकी श्वास हमें भीतर खींच लेगी। अभी बताता हूँ। बचकर जाने ना पाए। हनुमान हनुमान, कुंभकर्ण मुझे पशु के समान बांध कर मेरा उपहास कर रहा था, ये बात किसी को मत बताना। वो दृश्य देखकर मेरा रक्त भी खौल उठा था। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कुंभकर्ण जब बंदी बनाई, हनुमत ही सुग्रीव छुड़ाई। ऊर्जा विहीन थी सेना बैठी, नृप को देखी तो आशा लौटी। नव उत्साह से जुट गए सारे, पवन तनय सब संकट तारे। सब बिगड़ी बजरंग बनाए, संकट मोचन सो कहलाए। प्रभु प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। प्रणाम प्रभु। तुमने उसे जाने कैसे दिया यहां से? इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता भ्राता श्री, वो हनुमान उस सुग्रीव को लेकर चला गया। धिक्कार है हम राक्षसों पर, वो एक तुच्छ वानर यहाँ आकर उस सुग्रीव को ले गया और हम कुछ न कर सके। बस सभी वानर जय जयकार कर रहे हैं उस तुच्छ वानर के। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। ये सब मेरी भूल के कारण हुआ है भ्राताश्री, परंतु कल सूर्य उदय होते ही रणभूमि में आपकी विजयश्री सुनिश्चित कर मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करूंगा। प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार मैं महाराज सुग्रीव को लंका से ले आया हूं। भ्राताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आज के युद्ध में केवल सुग्रीव को लक्ष्य किया था, परंतु कल के युद्ध में मैं राम और उसकी वानर सेना को जीवित ही निगल जाऊंगा। कल ही युद्ध समाप्ति की घोषणा करेगा यह कुंभकर्ण। अब की बार किसी को पकड़ूंगा नहीं, केवल संहार करूंगा मैं सबका। आश्चर्यचकित हूं, सिंह के मुख से उसका भोजन छीनने समान अद्वितीय कार्य किया है आपने, परंतु यह कार्य आपने किया कैसे? हाँ हनुमान जी, बताइए, लंका में प्रवेश करके काकाश्री को कैसे मुक्त कराया आपने?
क्या हुआ था वहाँ? बताइए मित्र हनुमान। क्या करूं, कुछ कहूं या शांत रहूं? हाँ हनुमान, बताओ, हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। और महाराज सुग्रीव के पांव में ये बेड़ी क्यों है? क्षमा करें महाराज सुग्रीव, परंतु प्रभु का आदेश नहीं टाल सकता हनुमान। यदि हनुमान ने लंका के घटनाक्रम को विस्तार से बता दिया तो क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी मेरी? प्रभु, जब मैं लंका पहुंचा और प्रभु जब मैं भीतर गया तो मैंने देखा कि कुंभकर्ण ने महाराज को बेड़ियों से बांध रखा था, स्वयं नट बना हुआ था और महाराज को अपना मनोरंजन करने पर बाध्य कर रहा था। प्रभु, प्रभु, वो दुष्ट तो महाराज सुग्रीव को पिंजरे में बंद करने वाला था। परंतु मैंने आपके नाम के प्रताप से महाराज सुग्रीव को मुक्त करा लिया। प्रभु, फिर है ना, छलांग लगाकर मैं कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गया, छोड़ा नहीं उसे, उसके दोनों कान काट दिए मैंने। मैं तो और उसे भयंकर दंड देता, परंतु हनुमान, हनुमान मुझे वहां से यहाँ ले आए। ये तो बहुत अच्छा किया हनुमान ने, अन्यथा वो महाराक्षस प्रातः कुंभकर्ण क्रोध में क्या करते, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। अनुमान तो उस महासुर को नहीं है विभीषण जी, कि मैं उसे कितनी हानि पहुंचा सकता था। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, रुक जाइए, बात तो सुनिए। अरे महाराज सुग्रीव, आप तो रुष्ट हो गए, आप ही बताइए मैं क्या करता। एक ओर प्रभु श्री राम और दूसरी ओर आप। महाराज सुग्रीव सुनिए, आप उचित कह रहे हैं महाराज विभीषण। कल कुंभकर्ण और अधिक उत्तेजना के साथ रणभूमि में उतरेगा। मेरा ही बंदी वानर मेरे ही कक्ष से मेरे ही समक्ष भागकर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। कल इसी प्रकार सुग्रीव और उसकी संपूर्ण वानर सेना का मैं युद्ध में विनाश कर दूंगा। आज संपूर्ण वानर सैनिक मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि महाराज सुग्रीव में इतना भी सामर्थ्य नहीं। हनुमान, महाराज मैं सहायता करूं? नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। बहुत दुख हुआ महाराज ये सुनकर कि उस राक्षस ने आपसे नृत्य करवाया, पिंजरे में बंदी बनाना चाहा, इतना अपमान। बहुत दुख हुआ महाराज, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ महाराज, सुनकर बहुत दुख हुआ।
अर्थात समस्त वानर योद्धाओं को भी ज्ञात हो गया कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। हनुमान, मेरा मान सम्मान, ये हनुमान? जी महाराज सुग्रीव, हनुमान सेवा में उपस्थित है, आदेश दीजिए। सेवा में प्रस्तुत है हनुमान, मुझे आपसे कोई सेवा नहीं करवानी और कोई आदेश नहीं देना। क्यों, आपने कहा था किसी से कुछ नहीं बताएंगे और सबको सब बता दिया आपने? सब पूछ रहे थे, मैं शांत रहा, परंतु प्रभु ने पूछा तो मैं शांत रह के असत्य विवरण देने का अपराध कैसे करता महाराज सुग्रीव? परंतु हनुमान, महाराज इस प्रकार हनुमान से मुख मत मोड़िए, महाराज होने के साथ साथ आप मेरे भ्राता भी हैं, क्षमा कर दीजिए। चलो अच्छा है हनुमान, अन्य वानरों को इस प्रकरण के बारे में नहीं ज्ञात हुआ। क्या इसका अर्थ है अन्य सभी वानरों को इस प्रकरण के बारे में ज्ञात हो गया? महाराज अब नवीन समाचार का प्रचार होने में अधिक समय कहां लगता है। हनुमान, महाराज हनुमान ठहरिए, महाराज क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं विवश था महाराज सुग्रीव, हनुमान रुक जाइए। आप किस चिंता से शांत है महाराज विभीषण? प्रभु कल के युद्ध की चिंता है मुझे, यदि भ्राता कुंभकर्ण को हम नहीं रोक सके तो हंसने के लिए हमारे प्राण शेष नहीं रहेंगे। चिंता त्याग दीजिए महाराज विभीषण, जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पगबड़ाएगा उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा। सैनिकों, आज राक्षस पूरी योजना के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे, सतर्क और सावधान रहना। आज सूर्यास्त होने तक यमलोक में एक भी स्थान रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समस्त वानर अपनी मृत्यु के पश्चात वहीं मिलोगे। दुष्ट वानरों, आज कुंभकर्ण तुम्हें अपने बचाव के लिए भी समय नहीं देगा। रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए, अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ, इससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए।
सत्य कहा था आपने प्रभु कि आज युद्ध भूमि में भ्राता कुंभकर्ण अधर्मी बनकर आएंगे। युद्ध के नियम और उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे। राक्षस से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। वध करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तब तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। अब तो प्रभु ही हमारी रक्षा करे। बहुत विश्वास था ना तुम्हें अपने इस मानस पर। जाओ, खंडित हुआ तुम्हारा विश्वास। अब मैं तुम सबका जीवन समाप्त करता हूँ। कुंभकर्ण, यदि साहस है तो मेरा सामना करो। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत युद्ध कौशल है तुम्हारा राम।
परंतु कुंभकर्ण के समक्ष तुम कुशीलक्षण टिक पाओगे। परम प्रतापी प्रभु श्री राम नहीं, तुम्हारे समक्ष उनका अनुज लक्ष्मण है। यदि मेरे स्थान पर वो होते तो अब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग हो चुके होते। यदि तुम राम नहीं हो तो हटो मेरे मार्ग से, व्यर्थ में मेरा समय नष्ट मत करो। और बताओ मुझे, कहां मिलेगा तुम्हारा वो राम? मुझे उसी से युद्ध करना है। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कुंभकर्ण की शक्ति के समक्ष तुम टिक नहीं पाओगे। आज यहां मृत्यु का तांडव होगा, तांडव। कोई कितना भी शक्तिशाली हो किंतु क्रोध उसके पतन का कारण बन सकता है।